हेलो दोस्तों, वेलकम टू फन लोल। मेरा नाम है नरेश। तो ये रहे हमारे सब पटाखे। लग रहा है कि मैंने अमेजोन से पटाखे मंगाए हैं, लेकिन अमेजोन से नहीं लिए हैं, सिर्फ ये प्लास्टिक बैग है जो अमेजोन का है और दूसरे किसी आइटम का है। पटाखे की थैली अंदर है। ये थैली बहुत ही बड़ी थी और पटाखे के बॉक्स थे जो बहुत ही बड़े थे, तो वहाँ की थैली में नहीं आ रहे थे, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मैंने इसलिए पैक कर दिए है। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि क्या मैं लेके आया हूँ और क्या इसमें नई आइटम है और किसका हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अभी वापस से हम नेक्स्ट संडे को दूसरे और पटाखे लेने जाएंगे, लेकिन इस हफ्ते के लिए हमें ये सब पटाखे काफ़ी है। चलिए दिखाता हूँ आपको। ये एक मैंने फुलझरी का छोटा पैकेट लिया है जो 50-50 आता है, मतलब कि ग्रीन और रेड दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है। इसमें 5 पैकेट है। प्राइस मैं आपको लास्ट में सबकी बता दूंगा कि सारे मिलके मुझे कितने में मिले हैं। अभी एक एक की प्राइस तो मुझे भी मालूम नहीं है, इसलिए दूसरी। अभी एक बड़ी फुलझरी का पैकेट, इसमें भी एक हीरोइन की फोटो है। ये साइज में काफी बड़ी है। ये भी आपको दिखा देता हूँ साइज में कितनी बड़ी है। खाली बैग निकला? नहीं नहीं, अंदर है। देखिए ऐसी छोटी छोटी इसमें रेड और ग्रीन कलर में फुलझरी आती है। और ये एक इंटरेस्टिंग आइटम है, ये भी मेरी बहुत ही फेवरेट है। इसे हम हमारे एरिया में देवरानी जेठानी कहते हैं। आप बताएं कि आप इसे क्या कहते हैं। ये घर में जैसे देवरानी जेठानी झगड़ा करती है, ऐसे ही ये दोनों एक साथ झगड़ा करती है, इसलिए इसे देवरानी जेठानी हम कहते हैं। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इसे क्या कहते हैं। इसका भी हम एक्सपेरिमेंट और कुछ टेस्ट करके आपको दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये एक मैंने चकरी का पैकेट लिया है जो सार्क ब्रांड का है। बहुत ही बढ़िया दिख रही थी, वो भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि ये बहुत ही बढ़िया अभी आ रही है। साइज में एकदम ये छोटी है, लेकिन एकदम से नहीं बोलेंगे, लेकिन ये थोड़ी बहुत छोटी है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम घूमती है दूसरी किसी बड़ी चक्कर के कंपेरिजन में, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और ये है एक मेरा पॉप पॉप का पैकेट, श्री शिवम ब्रांड का है। ये है हमारे पॉप पॉप जिसमें 10 आए हैं। इसमें बत्ती यहाँ पे है, मुझे लगा बत्ती नहीं है। ये आइटम बहुत ही बढ़िया लग रही है, मुझे कुछ एकदम ये इंटरेस्टिंग सी लगी, इसलिए मैंने ये लिया। शॉपकीपर को भी मैंने पूछा, इसने बोला कि ये बहुत ही नई आई है, अभी इसी साल आई है, तो उसको भी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन हमें तो कुछ टेस्ट करके देखना था कि क्या है इसमें, इसलिए मैंने ये ले लिया है। ये बहुत ही बढ़िया दिख रही है, अभी दिखने में भी बहुत ही कूल है। ये देखिए, इसमें 2 पटाखे दिख रहे हैं अंदर से और कुछ टैंक का शेप दिया हुआ है। ये मुझे भी पता नहीं है उड़ेगी या चलेगी, तो आप बताइए इसका एक्सपेरिमेंट हमें करना चाहिए या नहीं, जो कि मैं करने ही वाला हूँ जल्दी ही। और ये भी एक बहुत ही बढ़िया नई आइटम आई है अभी मार्केट में, जिसमें डायनासोर का अभी फोटो लगा हुआ है, जुरासिक पार्क, उसमें वेलकम लिखा हुआ है और शिवाकाशी का है ये फायरवर्क। इससे पहले देखा था उसी की तरह, इसमें भी सेम आता है, लेकिन इसमें एक पटाखा आता है, उसमें 2 पटाखे थे और उसमें इसमें इस पैकेट में 2 पीस आते हैं। ये देखिए, इसमें ऐसे 2 डायनासोर आते हैं इसमें,
ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसे परचेस कर लिया। और ये है हमारा नाजी बम, कोरोनेशन का है नाजी। ये देखिए, ये ओरिजिनल का सिंबल है, यही देख के आप लीजिए। देखिए इसमें 10 पीस आए हैं, ज़्यादातर पटाखों में 10 पीस ही आते हैं। और ये है मेरी पटाखों की लड़ियाँ, जो टोटल 8 है वो मैंने ली है, गोवा क्रैकर्स इसमें लिखा हुआ है। आपने देखा ही होगा कि अंदर से कैसे दिखे, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं देखिए यहाँ पे कुछ में कलर नहीं है, ज़्यादातर रेड ही होता है, लेकिन कुछ में कलर नहीं है, लेकिन हमें कलर से कुछ लगाव नहीं है, हमें तो सिर्फ ये फटना चाहिए अच्छी तरह से। और अभी लास्ट में है ये मेरा अनार कोरोनेशन कंपनी का है, इसमें कलर पिंजर लिखा हुआ है डिलक्स, शायद ये कुछ कलरफुल होना चाहिए। ये भी एकदम ओरिजिनल है, यहाँ पे देख लीजिए। आप किसी भी ब्रांडेड पटाखे ले तो हमेशा देख लीजिए कि इसमें ऐसा कुछ सिंबल हो, जिससे हम पता लगा सके कि ये। ये देख लीजिए, अनार साइज में काफी बढ़िया है, और साइज में भी बड़े हैं, दिखने में भी बहुत बड़े हैं, मतलब कि साइज में ही बड़े हैं। अभी इसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितने ऊपर तक जाते हैं और कितने कलर दिखा पाते हैं। और ये है मेरा रॉकेट, इसमें नोकिया लिखा हुआ है, मोबाइल नहीं है, रॉकेट ये नोकिया पैराशूट रॉकेट, रत्नास ब्रांड का है ये। इसमें से अंदर से पैराशूट निकलता है, अभी इसको भी दिखाता हूँ। प्राइस की बात करें तो मुझे प्राइस नहीं मालूम, लेकिन इसमें 5 पीस ही आए हैं। प्राइस पूरे के मैंने दिए हैं, तो मैं आपको वही बता दूंगा कि कितने में मुझे सब पटाखे मिले हैं। देखिए साइज में काफ़ी बड़ा है ये, इसमें से अंदर से पैराशूट निकलता है, जिसका हम आपको टेस्ट करके अलग से वीडियो दिखा देंगे। और ये है मेरा एक दूसरा रॉकेट, जो कोक ब्रांड का है, मुर्गा छाप, पूरे विस्लिंग रॉकेट है ये, काफी बड़ा है साइज में, देख लीजिए आप। कैमरे में भी नहीं आ रहा, बाहर आया। देख लीजिए विसल करता है यहाँ से आवाज। तो दोस्तों ये था मेरा दिवाली स्टेज। नेक्स्ट संडे को हम वापस से पटाखे लेने जाएंगे, जो फाइनल दिवाली के लिए होंगे। इस हफ्ते के लिए हमने ये लिए है कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, और कुछ जो बच जाएंगे वो हम वापस से दिवाली में फोड़ देंगे। ये पूरे मिला के मुझे कुछ 1000 रुपये में मिले हैं, एग्जिट 1000 रुपये दिए हैं हमने। आप नीचे कॉमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से क्या मैं टेस्ट करके दिखाऊँ, और आपके एरिया में इतने पटाखे कितने रुपए में मिल जाते हैं। इसमें जो बहुत ज्यादा मुझे अच्छी चीज लगी वो जो ये दोनों चीजें, दिखने में बहुत अच्छी लगी है, लेकिन अब हम ट्राई करके देखेंगे कि ये और एक ये है। दिखने में तो हमें बहुत ही बढ़िया लगी ये दोनों चीज, अभी इसे हम ट्राई करके भी देखेंगे कि ये कैसा नजारा देती है हमें। आप जरूर से नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये इसमें से कौन सा पटाखा मैं ट्राई करके बताऊं, और आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट का नया आइडिया हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम जरूर से उसे ट्राई करेंगे।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे आने वाले वीडियो में आप इस तरह से किसी एक्सपेरिमेंट को देखना चाहते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे किसी भी आने वाले वीडियो को मिस ना करें। तब तक के लिए गुड बाय।